से आए हैं? हम लोग फुलवाड़ी से आए हैं। मतलब पटना से आए हैं देखने के लिए। क्या कहेंगे इतनी बड़ी घटना घटी आपके समाज माही रविदास की घटना, दलितों का नेता कहलाते हैं चिराग पासवान, अभी तक नहीं आए हैं। काफी निंदनीय घटना है। हम लोग का जब सुने हैं तो हम लोग का ऐसे ही रोमा खड़ा है। क्या नाम है? अमित मांझी। कहाँ से आए? पटना से। पटना से मांझी हैं। यस यस। और ये घटना कब आपको जानकारी मिली? बड़ी अस्पताल बिहार में दलित और महादलित इस प्रकार से कहता है, एक प्रकार दलित का नेता कौन है? दलित का नेता किसी को मानते नहीं करते, किसी को नहीं, हम नहीं मानते। जितन राम मांझी, नहीं मांझी के, चिराग पासवान, नहीं मांझी, श्याम रजक, दलित का नेता किसी को मान ही नहीं सकते। तो अपने आप को मांझी जी कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ, दलित का नेता मैं हूँ। चिराग पासवान अलग कहता है दलित का नेता मैं हूँ। और एक चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है, रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कहते हैं कि मैं दलित का पूरे भारत का नेता। लेकिन ये बड़ी घटना घटी है, अभी तक ये लोग नहीं आए, क्या कहेंगे? अरे वो हीरो कहाँ है? यहीं पर है, यहीं पर है। और मतलब बोलने से अब लोग डर रहे हैं कि जो लाभ मुझे मिलने वाला है वो लाभ कहीं छीना ना जाए, इसलिए डर से अब ये लोग भी मुंह पर ताला बंदी कर लिए। या तो प्रशासन का डर हो या तो सरकार का डर हो, लेकिन बोलने से अब ये लोग डरने लगे हैं। सच्चाई है, मैं रात में आया हूँ ये लोग को देखने के लिए। लोग आते हैं दिन में, देख करके चले जाते हैं, लेकिन मैं रात में इसलिए आया हूँ इनका दयनीय स्थिति क्या है, रहते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, इसके बच्चे, यदि बारिश आए, अभी बारिश का मौसम है, यदि बारिश हो जाएगा तो रहेगा कहाँ। लेकिन ये लोग बोलने से इसलिए डर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार यदि जो भी लाभ मुझे पहुंचा रहा है वो लाभ छीन ना ले। क्या बात सही है या गलत है? क्या यही बात है इसलिए ना आप लोग बोल रहे हैं? आपका घर जला तो यहाँ के लोग कहाँ चल गया? सब बेटी दामाद है, पुतौ है, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ गया? देखिए लोग बोलने से अब जो है कतरा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं। देखिए अभी तक ये घटना का होते चार दिन बीते, चार दिन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो दलित के नेता कहलाते हैं बिहार में, जो कहते हैं कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, अभी तक वो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं ये जानते हैं यहाँ से? बाबा क्या नाम है आपका? अच्छा कुटुम्ब हो। अच्छा सुनो ना, कुटुम्ब हो, कोई दिक्कत नहीं है, के लगवा यहाँ इल्ह मांझी जी एलखुन, जितन राम मांझी एलखुन यहाँ? नहीं एलखुन। कहा है कुछ मदद उदद दिलखुन? चिराग पासवान आए हैं नहीं जानो हो? तो देखिए यहाँ एक लड़का है, क्या नाम है छोटू? शिवम, यही घर है? कहाँ घर? अच्छा बगल वाला। अरे चिराग पासवान कहते हम दलितों के नेता हैं, चिराग पासवान आया है यहाँ? नहीं आया। आएगा तो बता देंगे। जितन राम मांझी आया है? अभी नहीं आया, कल आ जाएंगे। अभी तक नहीं आया, कल आएंगे। कुछ राहत? हाँ अच्छा देखिए जानते हैं कुछ महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? शीतल मांझी। मांझी जी का आपका बहुत बड़ा नेता है जितन राम मांझी, है ना? आए हैं देखने के लिए अभी तक? क्यों नहीं आए हैं पता किए? प्रफुल्ल मांझी विधायक हैं, आए हैं? नहीं आए हैं, देख लीजिए। कहते हैं चिराग पासवान आए हैं, चिराग पासवान आए हैं भाई साहब, चिराग पासवान आए हैं। आइए ना, अरे आप बताइए या तब ने जाने। देखिए लोग महिलाएं भी है, क्या नाम है? देखिए मोबाइल देख रहे हैं आप, अपना घटना को देख रहे हैं, अपना घटना को देख रहे हैं। देखिए इस प्रकार अपने मोबाइल में अपने घटना को देख रहे हैं, ताकि मतलब क्या हम बोले, क्या प्रशासन बोले हैं, डीएम साहब के आशुतोष कुमार डीएम साहब हैं नवादा के, उनका बयान देख रहे हैं ना। लेकिन जानते हैं चाची चिराग पासवान के नाम सुन लो, इधर देखो चिराग पासवान के नाम सुन लो, नहीं जानो चिराग पासवान के? मांझी जी के नाम सुन लो, जितन राम मांझी के, जितन राम मांझी के नाम सुने हैं? अभी तक नहीं आया है पासवान जी? आए हैं चिराग पासवान, अभी तक मालूम उन लोगों को नहीं हुआ है? देखिए कहीं ना कहीं छोटी देखिए बच्ची है, और मतलब बोलने से अब लोग डर रहे हैं कि जो लाभ मुझे मिलने वाला है वो लाभ कहीं छीना ना जाए,
इसलिए डर से अब ये लोग भी मुंह पर ताला बंद कर लिए, या तो प्रशासन का डर हो या तो सरकार का डर हो, लेकिन बोलने से अब ये लोग डरने लगे। सच्चाई है, मैं रात में आया हूँ ये लोग को देखने के लिए, लोग आते हैं दिन में देख करके चले जाते हैं, लेकिन मैं रात में इसलिए आया हूँ इनका दयनीय स्थिति क्या है, रहते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, इसके बच्चे यदि बारिश आए, अभी बारिश का मौसम है, यदि बारिश हो जाएगा तो रहेगा कहाँ। लेकिन ये लोग बोलने से इसलिए डर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार यदि जो भी लाभ मुझे पहुंचा रहा है वो लाभ छीन ना ले। क्या बात सही है या गलत, क्या यही बात है, इसलिए ना आप लोग बोल रहे हैं? आपका घर जला तो यहाँ के लोग कहाँ चल गया, सब बेटी दामाद है पुतो है, लेकिन यहाँ के लोग कहाँ गया? देखिए लोग बोलने से अब जो है कतरा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं देखिए ये लोग से जानते हैं कि आपका यही घर है। देखिए अब लोग भी घर रहते हुए भी डरती है, यही जो लाभ मिल रहा है, खाना मिल रहा है, वो खाना नहीं मिल रहा है इसीलिए। लेकिन चलते हैं सरकार के द्वारा जो व्यवस्था किया गया वो व्यवस्था को दिखाते हैं कि रात में ठहरने का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था कैसा किया गया है। यहाँ पर कुछ पदाधिकारी भी है और कुछ जनमान, क्या नाम है सर? सौरभ मांझी। देखिए सौरभ मांझी है, कहाँ से आए हैं? फुलवाड़ी से। ओह, मतलब पटना से आए हैं देखने के लिए। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना घटी आपके समाज, मांझी रविदास की घटना, दलितों का नेता कहलाते हैं चिराग पासवान, अभी तक नहीं आए हैं। काफी निंदनीय घटना है। हाँ, हम लोग का जब सुने हैं तो हम लोग का ऐसे ही रोमा खड़ा है। रोमा खड़ा है, समाज को इस तरह से बहुत व्याकुल करने वाला है। क्या करते हैं सर भैया, किस पार्टी में? हम कोई पार्टी से नहीं, हम समाज सेवी। समाज सेवी वर्तमान में अभी मुखिया है नेंडा पंचायत का। अच्छा, कहीं ना कहीं जंगल राज का जो हम लोग सुनते हैं कि जंगल राज ये जंगल राज का भी दर्शाता है। देखिए संज्ञान में पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां लगी हुई है और हमारा यही जो हमारे समाज में जो घटना हुआ है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कि ऐसा सजा मिले कि आने वाले दिन में वैसा कोई करने से भी जाए। मतलब एक प्रशासन थोड़ा सा इस मामले में, संगीन मामले में हमको कुछ छूट देना चाहिए कि अपराधी ऐसे बोलबाला जो चल रहा है तो उससे डरे करने से पहले, कहीं हाथ काट दिया जाता है और कहीं गोली मार दिया जाता है और कहीं बहुत सारे हत्याएं हमारे समाज पे बहुत दर्दनाक है। चलिए देखिए, पटना से आए हैं सौरभ जी, समाज सेवी हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन इनका मुखिया है और इनका स्पष्ट रूप से कहना है ये एक घटना है, मानवता को शर्मसार कर देती है। लेकिन वैसे ही लोगों के भूमाफिया, बालू माफिया जिस प्रकार से बिहार में पनप रही है, उसको मिटाने के लिए, उसको डराने के लिए प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा और सरकार को जल्द ही इस पर एक्शन लेना। मैं बात कर रहा था यहाँ के व्यवस्था दिखाने का,